हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे CPCB बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये CPCB जो बनाया गया, ये कब बनाया गया? बहुत ही एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, तो सारे टॉपिक जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, तो जो CPCB है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के थ्रू बनाया गया था। अब इसमें क्या बताया गया कि जो होने वाले पॉल्यूशन है इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो होते हैं, या कंस्ट्रक्शन की वजह से, या कोई भी वर्किंग प्लेस की वजह से जो हो रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो उसमें यही बताया गया कि जो होने वाले जो पूरा पॉल्यूशन है, उनसे जो इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का नुकसान बहुत है, और इससे हमारे कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट हैं वो सब क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सारे जो जंगल हैं, अगर जंगल तबाह हो जाएंगे तो रेनफॉल नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रीनरी नहीं रहेगी तो कितना लॉस होगा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। तो जब देखा गया कि वर्क प्लेस से होने वाले जो पॉल्यूशन है, उनकी वजह से हमें इतना सारा लॉस देखना पड़ रहा है, तो इनके लिए क्या किया गया, ये जो CPCB है, इनने कुछ स्टेप्स लिए, कुछ पॉलिसीज़ बनाई, कुछ अलग टर्म्स कंडीशंस दी। तो उनको फॉलो अगर करते हैं तो किसी ना किसी तरीके से हम होने वाले इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन से बच सकते हैं। तो देखिए, जो CPCB है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1974 में हुई थी। किसके लिए? वाले हुई थी वाटर के लिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो था वो 1974 हुआ। ठीक है, सितंबर 1974 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, इसे कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था, उसके बाद ये पहले वाटर के लिए हुई थी, फिर 1981 में ये एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन के लिए भी इसको रखा गया, क्योंकि हमें पूरे इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन जो भी हो रहे हैं उनसे बचना है। तो CPCB ने ये सारे स्टेप्स पहले वाटर के लिए लिया, फिर एयर के लिए लिया। इनका पूरा का पूरा मोटिव जो CPCB का था वो यही था कि कहीं ना कहीं हमें प्रमोट करना है क्लीनलीनेस को, हमें जो पॉल्यूशन है उसे हटाना है, हमें स्टेट्स प्रिवेंशन देने हैं, हमें कंट्रोल मेजर्स करने हैं, हमारी एयर क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, कंट्रोल हो, पॉल्यूशन जो है पॉल्यूशन फ्री रहे, हमारी जो कंट्री है वो पॉल्यूशन फ्री रहे, और इन्वायरमेंट को इससे कोई हार्म ना हो। तो इनसे रिलेटेड क्या है, ये सारी पॉलिसीज़ बनाई गई, प्रिंसिपल फंक्शंस बनाए गए कि हम कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल बोर्ड का इसमें बहुत बड़ा हाथ था कि इसको कैसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। पहले उनकी तरफ से कंट्रोल में लाने के लिए पॉलिसीज़ बनी, फिर ये धीरे धीरे सारी कंपनीज़ में इम्प्लीमेंट किया गया, सारी कंपनीज़ में ये सारी चीज़ें फॉलो की गई, और आज अगर हम देखें तो बहुत कम ऐसा हो रहा है कि किसी इंडस्ट्री की वजह से किसी एयर या वाटर को पॉल्यूशन हो रहा हो, कोई एयर या वाटर पॉल्यूट हो रही हो। तो बहुत अच्छा डिसीज़न ये लिया गया था, जिसकी वजह से हमने प्रमोट किया क्लीनलीनेस को। क्लीनलीनेस जो है, सफाई जो है वो क्या अच्छी रखें अगर हम अपने वर्क प्लेस के अलावा अपने एनवायरनमेंट के लिए, तो हमारे लिए ये बहुत बेनिफिशियल ये रहेगा। इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एडवाइस किया गया। ठीक है, ये जो भी आप जो कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, क्वालिटी ऑफ एयर में इम्प्रूवमेंट क्या आ रहा है, क्या अबेटमेंट हो रहे हैं एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन में, ठीक है, कैसे आप टेक्निकल असिस्टेंस कर रहे हैं, कैसे गाइडेंस दे रहे हैं, कैसे स्टेट बोर्ड, कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर रहा है, इसके बारे में बताया गया। जब ये सारी चीज़ें बताई गई कि ऐसे हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसे हम रख रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये जो प्लानिंग थी सक्सेसफुल हुई, और इसे बेनिफिट, इससे मिलने वाले जो बेनिफिट्स मिले तो वो बहुत ही अच्छे मिले। तो इसी तरीके से जो CPCB है वो अभी तक जो है वो है। ठीक है, और उसके बाद सारी इंडस्ट्रीज इसके रूल्स भी फॉलो कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल पॉल्यूशन जो है, तो उसको देखो गवर्नमेंट के थ्रू तो था ही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एडवाइस किया। ठीक है, तो इसमें यही है कि ऑल ओवर अपने इन्वायरमेंट को हमें बचाना है, इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है, सब कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कौन सा बोर्ड था, कौन सा काउंसिल था, किसने क्या हेल्प की, किसने क्या किया, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। ठीक है,
तो देखिए फंक्शंस क्या है, एडवाइस थी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइस किया कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो एडवाइस करे सेंट्रल गवर्नमेंट को और मैटर बताए, कंसर्निंग करे कि कैसे हम प्रिवेंशन दे सकते हैं कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो क्या है, इनने सोचा उसके बारे में कि हम कैसे उसको कर सकते हैं, क्या 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 चीज़ें हम कर सकते हैं, एडवाइजेज लें, सारी चीज़ें इधर उधर से देखी, कैसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं, सारी चीज़ों पर वर्क किया। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट किया स्टेट बोर्ड के साथ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ने कोऑर्डिनेट किया स्टेट बोर्ड के साथ उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट करने के लिए, इन सब के साथ कोऑर्डिनेट किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, टेक्निकल असिस्टेंस आया, गाइडेंस आई स्टेट बोर्ड को। क्या गाइडेंस आई, ये बोला गया कि CPCB को कि ऐसी टेक्निकल असिस्टेंस करो, ऐसे गाइडेंस करो कि स्टेट बोर्ड जो है उस ऐसी इन्वेस्टिगेशन करे कि वो उस प्रॉब्लम तक, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसकी जड़ तक जा पाए और फिर उसे वो कंट्रोल कर पाए, ठीक है। ऐसी प्रिवेंशन मिले, ऐसा कंट्रोल मिले, ऐसे अबेटमेंट मिले कि वाटर पॉल्यूशन जो हो रहा है जिस भी रीज़न से हो रहा है वो कंट्रोल में आ पाए, ठीक है। तो CPCB ने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ करी, बहुत सारे ऐसे अप्रोचेस किए, बहुत सारे एडवाइसेस ली, बहुत सारी कुछ कोऑर्डिनेशन किए, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो कि अब हमारे एनवायरनमेंट जो है वो बहुत हद तक सेफ़ है, इस तरीके के कोई भी पॉल्यूशन सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हीं को जाती हैं, क्योंकि इनने वो चीज़ करी है ना। अगर ये एक्शन नहीं लेते, CPCB वाले एक्शन नहीं लेते, तो कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखते। उनने ये सारी चीज़ें देखी जो हो रहा है एक्चुअल में, वो सारी चीज़ें देखी। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, थर्मल प्लांट, ठीक है, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल रेसेस निकलते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या पॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स रहते हैं, जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज रहती है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, तो यहाँ से होने वाले बहुत सारे ऐसे हार्मफुल चीज़ें रहती हैं जिन्हें जो हमें हार्म कर सकती हैं, पर अब नहीं करेंगे क्योंकि CPCB और नेशनल काउंसिल जो रहती हैं, इन सबों ने क्या एक मेजॉरिटी बना रखी है कि किसी भी कोई भी इंडस्ट्री हो, हमारे पास सॉल्यूशन है अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखने का, ठीक है। तो आज ही मैंने आपको CPCB के बारे में बताया, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिसने सेफ्टी के लिए, पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए, एक्चुअल में पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए अपने एनवायरनमेंट को कुछ स्टेप्स लिए, प्रमोट किया, क्लीनिनेस रखी, पॉल्यूशन फ्री रखा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। सो थैंक यू।